बिहार में 90% माएं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में जानते हैं क्या देती है दोस्तों? ये है आलू का भुंजिया। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और ये लंच बॉक्स स्पेशल है दोस्तों। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे रोटी के भी साथ खाए या फिर आप इसे चावल दाल के साथ खाए, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होता है। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। सबसे पहले मैं कुछ आलू लूंगा और उसे अच्छे से धो करके इस तरह छील लूंगा। दोस्तों आप चाहे तो आलू का भुंजिया छिलके भी बना सकते हैं और बिना छिले भी। तो मैं आज इसके छिलके उतार कर इसकी भुंजिया बनाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने टोटल क्वांटिटी आलूओं का लिया है ये लगभग 500 ग्राम के आसपास है और इसे मैंने पानी में छिलने के बाद डिप करके रखा है, इससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं चलिए आलू के भुंजिया को कटिंग करता हूँ। तो आप इस तरह पहले सर्कल में काट ले और उसके बाद एक साइज में, जैसे आप फ्रेंच फ्राइज के लिए काटते हैं ना, बस उसी तरह आपको इसे कट करके रेडी कर लेना है। तो चलिए मैं सारे आलूओं को इस तरह कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं उसी बाउल में इन आलू के पीसेस को रख रहा हूँ। कट किए हुए आलूओं को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये देखिए दोस्तों, एकदम साफ साफ आलू मैंने इस तरह कट करके अलग कर लिया और इसे मैं पानी में डिप करके ही रखूंगा, इससे आलू ब्लैक नहीं पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप मेरी ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए दोस्तों, आलू को मैंने इस तरह क्लीन कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ। दोस्तों आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगा, ये पंचफोरन है दोस्तों, इसमें जीरा है, सरसों है, मेथी, अजवाइन, मंगरेला और सौंफ, ये सब मिला के पंचफोरन बनता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। जब ये अच्छे से चटक जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगा इस तरह 2 सूखी लाल मिर्च, उसे मैंने इस तरह तोड़ के उसके बाद इसे चटका लिया है तेल में। अब कटिंग किए हुए आलू को मैं इसमें डालूंगा और उसके बाद इसे अच्छे से एक स्पैचुला से मिक्स कर लूंगा। दोस्तों आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे। आप देख सकते हैं जो आलू है वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें हल्दी का पाउडर डाल रहा हूँ। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, इसमें कोई भी ज्यादा मसाला नहीं पड़ता है दोस्तों, बस हल्दी नमक से आलू का भुंजिया बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगा। हल्दी जब अच्छे से मिल जाए तो इसे मैं ढक दूंगा और 5 मिनट पकने दूंगा। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ, तो इसे मैं हल्के हाथों से बस इस तरह एक बार चला लूंगा। आंच को आपको लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, बहुत तेज आंच पे इसे ना पकाए, हल्के आंच पर बस इसे हल्का हल्का 5-5 मिनट पे चेक करते हुए भूने। ये देखिए भुंजिया हमारा पक गया है, तो मैं एक चेक कर लेता हूँ। तो मैं स्पैचुला से इस तरह तोड़ के देखूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये टूट तो रहा है लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इसमें तोड़ने में दबाव देना पड़ रहा है, इसका मतलब इसे थोड़ा सा और भूनना है। भुंजिया हमारा 80% पक गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने तो दोस्तों 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं
1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों अगर बच्चे इसे लंच में ले जाते हैं तो इसे लाल मिर्च का पाउडर दे करके नहीं बनाया जाता है, आप प्लेन सिर्फ हल्दी और नमक से बनाएं। अब मैं इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा आंच को तेज कर लूंगा और उसके बाद इसे भून लूंगा। बस आपको 2 मिनट तेज आंच पर इसे एक बार मिक्स कर लेना है। बस 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा भुंजिया ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ तोड़ कर। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आराम से अब टूट रहा है और आपको मैं अपने हाथों से भी इसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छे से टूट भी रहा है। तो हमारा भुंजिया बन करके रेडी हो गया है। दोस्तों अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये है ऑयल फ्री करने का ट्रिक जो हमारे यहाँ माई करती है। तो ये देखिए, मैं इसे एक तरफ सारे भुंजिया को कढ़ाई के एक साइड में इस तरह अलग कर लूंगा और उसके बाद कढ़ाई को हल्का सा टेढ़ा कर लूंगा। आप देखिए अभी थोड़ा भी तेल नहीं है और अचानक से इसमें से सारे तेल जो भी हमारे भुने हैं वो सारे 2 टेबल स्पून मैंने डाला था ना, तो ये लगभग 1.5 टेबल स्पून ऑयल इस तरह करने से बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये रेसिपी हेल्दी है कि नहीं ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। और दोस्तों ये प्रोसेस करने का मेन मकसद ये है कि जब बैग में बच्चे लंच बॉक्स रखते हैं तो लंच बॉक्स थोड़े टेढ़े हो जाते हैं और ऑयल लीक कर जाता है जिससे बुक्स खराब हो जाते हैं। तो बस माए इस तरह करती थी ताकि भुंजिया ऑयल फ्री हो जाए और लंच बॉक्स से ऑयल लीक ना करे और कोई भी कॉपी किताब खराब ना हो। तो बस ये देखिए, पूरा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर आ चुका है। तो बस एक फ्लैट स्पैचुला लेंगे और बहुत ही सावधानी से इस तरह धीरे धीरे सारे आलू के भुंजिया को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने सारे भुंजिया को बाहर निकाल लिया है और ये एकदम ऑयल फ्री भुजिया बनके रेडी हो चुका है। और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो देखिए कढ़ाई में जमा हो गया है, तो ऑयल फ्री भुजिया भी अलग हो गया और ऑयल भी अलग हो गया। और ये देखिए, गर्मा गर्म आलू का भुजिया बनकर लंच बॉक्स स्पेशल बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसे पूरी पराठे या फिर रोटी के भी साथ खा सकते हैं और राइस और दाल के भी साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मा गर्म आलू का भुंजिया बन के रेडी है। तो आप कब बना रहे हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं आलू का भुंजिया? तो मिलता हूँ किसी और रेसिपी में मेरे चैनल मील विद माधव पे। तब तक के लिए बाय बाय।